नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने पिछले दिनों ही दीवा में चल रहे अवैध रूप से देसी दारू का भंडाफोड़ किया था। इसके बावजूद दीवा परिसर में अवैध रूप से देसी दारू की भट्टी चलाई जा रही है, तो वहीं मुंब्रा पुलिस ने भी अब कमर कस ली है। मुंब्रा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि दीवा के पास खाड़ी से लगकर देसाई गांव, जहां अवैध रूप से देसी दारू की भट्टी चलाई जा रही है। मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर और उनकी टीम में अजीत बड़े, गायकवाड़, नाइक, पाटिल, वागमारे, क्षीरसागर, राजपूत, होलवान, इन लोगों ने जब मिली जानकारी के मुताबिक जगह पर छापेमारी की, तो वहां भारी मात्रा में देसी शराब बनाई जा रही थी। जिस जगह पर ये देसी शराब बनाई जा रही थी, वहां बेहद गंदगी थी। जो शराब वहां पर थी वो बेहद गंदी और खतरनाक थी, जिसे पीने के बाद मौत भी हो सकती थी। फिलहाल इस छापेमारी के दौरान किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मगर पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, जिसमें 400 लीटर की क्षमता वाली एक टाकी, 200 लीटर क्षमता वाली रसायन से भरा 32 ड्राम, 35 लीटर क्षमता के 5 ड्राम, 175 लीटर देसी के दारू, जिसे नष्ट कर दिया गया है, 10 बोरी नवसागर, 12 बोरी काला गुड़ और भारी मात्रा में मिट्टी का तेल बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,63,250 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब गिरफ्तारी होने के बाद ही पता चलेगा कि इस अवैध देसी दारू की भट्टी में कितने लोग शामिल हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।